हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, बस अब हम थोड़ी तैयारी करके जाने लगे हैं। कहाँ जाना है वो भी बताती हूँ आपको, और साथ ही मेरी गुड़िया, हाय करो खतीजा, हाय करो, हाय, हेलो फ्रेंड्स। तो जल्दी से प्यारा सा हाय देख लिया आप लोगों ने, सुबह सुबह मॉर्निंग हो गई मेरी गुड़िया की। तो बस आगे जो भी होगा कंटिन्यू करते हैं, साथ रहिएगा, बने रहिएगा बिल्कुल। तो चलें थोड़ी देर में मिलते हैं। मेरी गुड़िया रेडी हो गई, मैंने कपड़ा वगैरह इसका चेंज करा दिए हैं, और ये देखें, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रेस मैंने पहना दिया है, ड्रेस रेडी करा दिया है, और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और इसको भी करा दिया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह के लिए सामान लेने बाहर, तो मैं इसको भी ये पहनाने लगी हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें ग्लव्स हैं इस तरीके से, और ये सॉक्स हैं, और ये काफ़ी गर्म है तो ठंड जैसे कि हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी मैं इसको ये पहनाऊँगी ताकि इसको ठंड ना लगे। और फिर ये है बेल्ट, ये बेल्ट मैं पहनूंगी, इसको बेल्ट में आगे डालूंगी ताकि फिर हम आराम से बाइक पे जा सकें। तो अब हम जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने, और मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो तुम जब तक इसके साथ खेलो, जब तक मैं रेडी हो रही हूँ। ये लो जा भतीजा। हाँ जी मेरा बच्चे, का कर ले मेरा जानू, का कर ले मेरा बेटा, ऊंट ऊंट, ये खतीजे का ऊंट है, टिन 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 टिन। क्या हो गया? अरे का हो गया, अरे का हो गया, अरे का हो गया, हंसी नहीं आ रही तुमको, सीरियस हो गई तुम तो, का हो गया, का हो गया, हंस दो जल्दी से, पालिश ही मुश्किलात दे दो जल्दी जल्दी से, सीरियस क्यों हो बाबा? मैं ये ले लूं, मैं ले लूं ये, बच्चे मुश्किल आ गया, मेरे बच्चे हंसी आ गई मेरे बच्चे को। तो चलें अब साथ रहिएगा ऐसी इसकी मस्तियां देखने के लिए। चलें मैं इसको 400 लगा रही हूँ, आप निकलें। तो हम लोग आए हैं, तो खदीजा सो गई थी तो उसको लिटा दिया मैंने। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई हुई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है आज। फिर पहले हम कैनेंस पे गए थे, कैनेंस से लेकर आए हैं हम, ये है काफ्ता कबाब। मैंने आज कबाब हांडी बनानी है, तो इसके लिए कबाब मैं घर में भी बना सकती थी, मगर फ़िलहाल आपको पता है जैसे कि मेरी बेटी छोटी है, वो बनाने दे, खाना बड़ी बात होती है, तो इसलिए मैं इतना वो नहीं करती। बस तो ये बने बनाए लाई थी, मैं इसकी हांडी बना लूँगी, बड़े मज़े की बनती है। साथ ये कोफ्ते लाई थी, इसका भी मैंने सालन बनाना है, तो ये जब बनाऊँगी तो फिर शेयर कर लूँगी। और फिर ये मैं लेके आई थी, ये क्या है, ये जिसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा गैस होती है, तो उसके लिए मैं ये ड्रॉप यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त ये ड्रॉप है, फौरी आराम आ जाता है। तो बस ये इसके ड्रॉप्स हैं, और साथ जो है ये गार्लिक मायो है, ये ख़त्म हो गया तो ये लाना था, ये कुटी मिर्ची ख़त्म हो गई ये लानी थी, ये घी, सब इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं तो बस अंदर क्या करें। चने की दाल ये आप देख सकते हैं, 120 रुपये का पैकेट मिला है दाल का, हाफ के जी वाली, और ये कुकिंग ऑयल, और ये दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी, ये 140 का पैकेट मिला है, और ये 1 किलो वाला लिया है इस दाल का पैकेट, ये ज़्यादा खाई जाती है मेरे घर में इसलिए इसके प्राइस टैग नहीं है। और ये बस गर्म मसालों में ये लेना था, काली मिर्ची लीजिए, काली मिर्ची खाएँ, मैं शॉपर में होंगी। और ये केचप, गार्लिक सॉस ये लेनी थी मैंने साथ कॉफ़ी के साशे, क्योंकि सिर्फ मैं ही पीती हूँ कॉफ़ी शौक से, तो फिर जार लेने से बेहतर बंदा साशे ले ले। और ये फ्रेश क्रीम जो हांडी में डली गई आज बनानी है मैंने, साथ ही है अरसलान का शैम्पू ख़त्म हो गया था, शैम्पू आप प्राइस देखे शैम्पू के, तो ये बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, जिनके डैंड्रफ होता है उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, तो ये अरसलान को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये वाला शैम्पू इसके थे। काली मिर्ची आ गई, ये नींबू मैंने अपने लिए ली थी, बहुत दिल कर रहा था खाने का, साथ ये पैकेट ले लिया था हांडी का, मैं ट्राई करते मेहरान का,
मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। वैसे मैं अगर यूज़ करती हूँ तो शान की यूज़ करती हूँ, मेहरान में फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। और ये मैं बिस्किट वगैरह थोड़ी बहुत लेकर आई थी यहाँ पे। बस तो ये ग्रॉसरी शॉपिंग है मेरी। तो आगे जो है अब मैं बनाने लगी हूँ। मैंने अपना नाश्ता सुबह कर लिया था, अब्बू देर से उठे हैं तो बस अब मैं अब्बू का नाश्ता बनाने लगी हूँ। साथ ही यहाँ आटा भी लेकर, हम चक्की का यूज़ कर रहे हैं आटा, तो ये चक्की का आटा है, आटा भी बहुत महंगा हो गया भाई। और बस यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने दिया सिलेंडर पर, जैसे कि हमारी गैस आ नहीं रही, तो बस नाश्ता बनाते हैं और फिर आप लोगों को बाकी दिखाती हूँ जो भी होगा रूटीन बाकी। चलो मैं सामान सेट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अब्बू का नाश्ता हो गया रेडी और यहाँ पे मेरी बन गई है चाय, मैंने अपने लिए भी बनाई थी। अब अब्बू को मैं नाश्ता देती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं सी? अब्बू के पास। पहले मैं नाश्ता ले लूँ। हाँ जी, तो हम मामा की तरफ जा रहे हैं दोनों, पीछे ही भी जा रहे हैं। हम लोग मामा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रात में ठंड बहुत हो रही, तो अभी हमने कहा चलो अभी मिल के आ जाते हैं, अभी जा गए थे। बस हम लोग तैयार हो गए, रेडी हो गए जा रहे हैं। चले चले। तो हम वहाँ जाके मिलते हैं। अच्छा सॉरी, हम सरप्राइज देने आए थे, इतनी जल्दी जाए हैं आज। स्कूल बैग में लटका है मैंने इसको, थक गई मैं, आवाज आ रही है। मामा बोल रही गेट खुला हुआ है, चले फिर दो। गेट खुला है, सरप्राइज देंगे जाके नानू को। चलो जल्दी से सीट खड़ा मैं आ गई। चुप 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 चला आ गए हम लोग मामा के। सरप्राइज आ गए हम। तो यहाँ मैं मामा के आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे खाना भी बना लेती हूँ। मैं सामान लेकर आई थी क्योंकि हमारी गैस आ नहीं रही थी, और पता नहीं गैस ने आना भी था कि नहीं आना था, तो मामा की तरफ आ रही थी। मैंने कहा चलो यहीं खाना बनाते हैं, तो बस ये जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी इसकी। फ़िलहाल मैं अभी सालन बनाने में मसरूफ़ थी बड़ा, और ये मैं बना रही हूँ कबाब हांडी। इसी में अदरक काट के डाल दी और हमारी कबाब हांडी हो गई है रेडी बिल्कुल। ये इसका फाइनल लुक है। चले अब मैं जाके मामा लोग के साथ बैठती हूँ और बात बातें करते हैं, तो फिर आगे आप लोगों से ब्लॉग शेयर करते हैं। खाना हो गया रेडी और मैंने इसको डब्बे में कर लिया क्योंकि मैंने अपने घर लेके जाना है। डब्बा बड़ा है, सालन थोड़ा कम है, और कोई बात नहीं है। अब हम घर जा रहे हैं। सब अपने घर जा रहे हैं और बाकी के व्लॉग घर जाके होगा। आज ज्यादा बड़ा व्लॉग हो गया है कुछ। प्यारा मौसम हो रहा है, चल चल चलते हैं। नानू की गाड़ी, नानू ही नहीं है। आ गए तो खदीजा सो रही है, और अभी फिर हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आ गए, जिसके दूध वगैरह लेकर आना था तो वो लेकर आ गए। तो एक साथ ही ज़्यादा ले आते हैं क्योंकि फिर ऐसे आना ऑफिस जाते हैं तो लाना नहीं होता साथ में। क्या है ये खीर मिट्टी की प्यालियों में है, बचपन की ताज़ा हो गई, बचपन में मिलती थी लोगों के घर में, बटती थी, लोग बांटते थे तो हमें खाने को मिलती थी। और साथ लेकर आए हैं ये पेस्ट्री,
और साथ ही पेस्ट्री लेकर आए हैं और ये खीर है। इसको देखती हूँ किस तरह की है, नज़र आ रही है खीर, बहुत ठंडी ठंडी होगी मिट्टी की कटोरियों में। ये रही, तो चले मैं रखती हूँ फ्रिज में, प्यार से मिलते हैं। सलान शीरमाल लेकर आए थे और ये शीरमाल खाएंगे कबाब हांडी के साथ, और ये मेरी खीर है यहाँ पे। तो चले मैं इनको खाना देती हूँ, और बाकी फिर मैंने कपड़े वगैरह धोने, मशीन लगानी है तो वो काम वगैरह भी करना है, तो बस इसके बाद मैंने मशीन लगा के कपड़े वगैरह धोते हैं। वो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो बस यहीं पे व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।